जब भी अचार बनाने की बारी आती है तो हमें ना अपनी मम्मी दादी की याद आने लगती है और हमें लगता है अचार बनाना बहुत कठिन है। पर आज मैं आपको दूंगी अचार बनाने की इतनी आसान रेसिपी कि अगर आपने कभी अचार नहीं बनाया है ना तो भी आप इसको परफेक्ट बना लेंगे। इस अचार की खास बात यह है कि इसमें ना कोई भी धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनता है और आप इस अचार को आज ही बनाएं और आज ही खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम ये गाजर और मूली को छील लेंगे और जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर आप और भी सब्जियाँ जैसे कि आप इसमें डिफरेंट तरह के बीन्स या फिर आप इसमें कच्चा पपीता या फिर इसमें ना शलजम वो भी इस्तेमाल कर सकते हो और बस हम इनको छील के ना इन सबको पानी में डाल देंगे और इसी तरह से हम इन मूलियों को भी छील लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है बीन्स, तो हम क्या करेंगे ना बीन्स के इस तरह से साइड से रेशे हटा लेंगे और बस इनको भी पानी में डाल देंगे और इनको 2 से 3 बार ना अच्छे से रगड़ के धो लेंगे। तो अब हम सब्जियों का काट लेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर लिया है तो इसको हमें क्या करना है ना बाइट साइज पीसेस में काटना है, तो पतले पतले काटने हैं तो कुछ इस तरह से काट ले आप। और मूली भी बिल्कुल इसी तरह से काटेंगे हम। तो मैंने देखा है कुछ लोग ना इसको घिस लेते हैं, पर आप इसको घिसिएगा नहीं, अगर आप इसको घिस लेंगे तो क्या होगा ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे और फिर हमारा अचार ख़राब होने का डर रहेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास बीन्स और मिर्च है ना हम इनको इस तरह से कैंची से काटेंगे। कैंची से ना ये बहुत फटाफट से कट जाती हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको कटने में। वैसे क्या होता है ना जब भी मुझे अचार खाना होता है ना तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी सारे अचार भेज देती हैं, पर ये एक अचार है ना मैं ये घर पर खुद ही बनाती हूँ क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है, इंस्टेंट है, मतलब आज बनाएं और आज ही खा लें। और सबसे अच्छी बात है ना इसको हमें धूप भी नहीं दिखानी है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह से मैंने फूलगोभी को और अदरक और लहसुन को भी एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और ये देखिए सारी सब्जियां हमने काट ली हैं और अब हमें सुखाना है, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस ना करें। अगर आप सब्जियों को ठीक से सुखाएंगे नहीं ना तो अचार ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी इस तरह का बड़ा सा टॉवल ले लें या सूती कपड़ा ले लें, साड़ी ले लें, चादर ले लें और सारी सब्जियों को ना एक सिंगल लेयर में इस तरह से इसे फैला दें, तो पतली लेयर फैलाइएगा जिससे कि ये जल्दी सूख सकें। और अब हम पंखा ऑन कर देंगे फुल स्पीड पर और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से सूखने देंगे और बीच में ना हम क्या करेंगे 1-2 बार इसको पलट देंगे जिससे कि ये एक सार सूख सके। सब्जियां सूखते हुए ना 1.5 घंटा हो चुका है और एकदम ड्राई हो गई है, मतलब हाथ में ना बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, तो इस स्टेज तक आपको इसको सुखाना है। तो बस चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सी के जार में लेंगे 2 टेबलस्पून भर के पीली सरसों। तो जैसी काली सरसों आती है ना बिल्कुल उसी तरह की ये पीली सरसों आती है, आप काली सरसों भी यूज़ कर सकते हो, पर पीली सरसों से ना अचार देखने में काला काला सा नहीं लगता है, उसका कलर बहुत सुंदर आता है। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून डालेंगे मेथी के दाने। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेथी डाल देते हो ना तो अचार हल्का कड़वा हो जाता है, इसलिए इसको कम ही रखें। 1 टीस्पून डालेंगे कलौंजी या फिर निगेला सीड्स और इनको ना हमें एकदम दरदरा या कोर्स पीस लेना है। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, तो जो अचार है ना वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तो ये कटी हुई सब्जियाँ ऑलमोस्ट 6 से 7 कप हैं, तो इसमें मैं करीब आराम से 2 कप सरसों का तेल डालूँगी और तेल को ना हम खूब तेज़ धुआँ उठने तक एक बार गर्म कर लेंगे। और ये देखिए जब आपको इस तरह से तेल में से धुआं उठता दिखाई देने लगे तो अब आप गैस को ऑफ़ कर दें और हम क्या करेंगे ना 2 से 3 चम्मच तेल एक बोल में अलग से निकाल देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और जो ये बाकी बचा हुआ तेल है ना हम इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये आप देखें मैंने तेल को हल्का सा ठंडा किया है, मतलब इसमें से धुआँ निकलना तो बंद हो गया है पर ये अभी भी काफ़ी गर्म है। तो यहाँ करीब हम 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे, हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और अचार ना हाजमे के लिए भी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर और यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ना बढ़िया सा कलर आएगा अचार में। इनको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से झाग उठ रहा है तेल में, इसका मतलब तेल ना अभी भी अच्छा गर्म है और ये जो मसाला हमने तैयार किया था ना, मतलब जिसको दरदरा पीस के रखा था, ये सारा मसाला हम इसमें डालेंगे और इसको भी मिला देंगे। तो देखिए ऐसा करने से क्या होता है ना हमें मसाला ना अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसाला इस टाइम ही ना अच्छे से पक जाएगा तेल में। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और अब हमें क्या करना है, जो सब्ज़ियाँ हमने सुखाई थी ना ये सारा मसाला थोड़ा थोड़ा करके इस पे पूरे पे फैलाते हुए डाल देंगे। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हमने सब्जियों को पकाया नहीं है तो ये कच्ची कच्ची लगेगी खाने में, तो ना ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प अचार बनके तैयार होगा। तो बस ये सारा मसाला अब हम इसके ऊपर डाल देंगे
इसके साथ ही हमें इसमें डालना है नमक, तो हम इसमें करीब 3 टेबलस्पून नमक डालेंगे पहले और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ना मैं इसमें 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि पहले ना मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था, तो तीखापन थोड़ा सा अचार में ज़्यादा होना तो खाने में मज़ा आता है, वो डाल के हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अभी बेसिक मिक्स कर दिया है, तो इस टाइम ना आप थोड़ा सा अचार चख लें। मुझे ना इसमें नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक और डाल रही हूँ। नमक ना अचार में हल्का सा तेज़ होना चाहिए, इससे क्या होता है ना सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से गल जाती हैं और अचार का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो हमें क्या करना ना इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देना है, और ये देखिए हमारा जो अचार है ना अब हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अचार बनाते समय ना आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि सारे बर्तन जो है ना एकदम सूखे और साफ होने चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चमचे भर के, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 3 टेबलस्पून विनेगर का इस्तेमाल किया है इसमें। तो ये वाइट विनेगर है, बिल्कुल वही विनेगर है जो कि हम नूडल्स या फिर चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है ना अचार में एक अच्छा खट्टापन भी आता है और अचार प्रिजर्व भी हो जाता है। तो इस अचार में हमें इसलिए बहुत ज़्यादा तेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें विनेगर का इस्तेमाल कर लिया है। तो चलिए बस अचार तो तैयार है और हम इसको फटाफट शीशी में भर लेते हैं। तो बस हम इनको शीशी में भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास के मृतबान लिए हैं, इनको ना मैंने धो लिया था और बहुत अच्छे से इसको ड्राई करना है, बहुत ध्यान रखना है, अगर ज़रा सा भी अचार में पानी लग जाएगा ना तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसके ढक्कन और मृतबान दोनों साफ़ कर लें और बस ये अचार हम इसमें भर देंगे। तो ये देखिए अचार को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है और जो तेल हमने बचा के रखा था ना वो 1-1 चम्मच हम इसमें ऊपर से डाल देंगे, इससे क्या होगा ना अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए हमारा झटपट इंस्टेंट अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है, मतलब आप सोच रहे हो मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ, पर ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा अचार बनके तैयार हुआ है, मतलब ये 2 और 1 ये छोटू भी है, देखिए इतना सारा अचार बनके तैयार हो गया है। और ना कोशिश करके आप इस अचार को फ्रिज में रखें तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है, और जितना अचार खाना है आप छोटे वाले जार में निकाल के रख लें, जब ख़त्म हो जाए तो और अचार निकाल लें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बनती है, सीजनल वेजिटेबल से बनती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।